हमने जो अभी तक टॉपिक किया है उसके बारे में फटाफट से एक रिकैप दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी तक किया क्या? हमने सबसे पहले लाइट के बारे में बात करी थी, लाइट के नेचर के बारे में, और वो लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है जिसकी वजह से शेडो फॉर्म होती है उसके बारे में। फिर हमने ड्यूल नेचर के बारे में बात करी कि लाइट पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पोजेस करती है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि भाई जो लाइट है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह मूव करती है। इसका बहुत इन डेप्थ डिस्कशन हमने किया था। फिर हमने बात करी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या स्टोरी होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है जिसको हम कहते हैं, दिस फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्लेन सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये मैं एक बारी फिर से बता रहा हूँ। होता क्या है, जो हमारे पास अगर एक प्लेन सरफेस है तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, नॉर्मल। और एक लाइट आएगी जो आके टकराएगी एक मिरर से, तो ये जब मिरर से टकराएगी इस लाइट को, इस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये क्या होती है, इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगी, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कोई लाइट आके अगर टकराएगी तो जाहिर सी बात है वो बाउंस बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक करेगी तो ये एक एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइट आई है इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। एंड फिर सेकेंड लॉ जो मेन लॉ है उसने क्या कहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन है, ये हमारा प्लेन मिरर्स का था। फिर हमने बात करी थी कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब क्या होते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमेशा क्या बनाएगा बच्चे, इसकी लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, मैग्निफिकेशन हमेशा +1 की होती है। और अगर मैं किसी प्लेन मिरर को किसी एंगल पे घुमाता हूं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उस एंगल के डबल पे घूम जाएगी। फिर हमने बात करी थी कि फोकल लेंथ कितनी होती है प्लेन मिरर की, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, है ना। इसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जिसने किसी ने मिस किया तो वहां से एक बार देख लेना। फिर आता है हमारे पास, आज चौथा लेक्चर है तो जितना भी ये सारा पार्ट है हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया था लास्ट टाइम, रियल और वर्चुअल इमेज। हमने विजुअलाइज भी किया था इसे कि रियल और वर्चुअल का डिफरेंस क्या है। रियल इमेजेस आर समथिंग विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस आर समथिंग विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन स्क्रीन पर अगर मैं इमेज नहीं ला पा रहा हूं दैट इज वर्चुअल, और अगर मैं ला पा रहा हूं तो वो रियल इमेजेस होती है। फिर हमने बात करी फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे था, लेटरल इन्वर्जन क्या था, और फिर हम आखिरी में अपने कर्व्ड सर्फेसिस पे लास्ट लेक्चर में पहुंच गए थे। कर्व्ड सर्फेसिस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ये क्या होते हैं हमारे पास, कनकेव और कन्वेक्स, है ना। कनकेव और कन्वेक्स, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा कनकेव, चम्मच के बाहर वाला हिस्सा कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स का लॉजिक समझ में आया, तो एग्जैक्टली किस तरीके से थे हमारे पास, जो मैं बार बार तुम्हें दिखा रहा था कि हमारे पास जैसा ये है तो ये जो बाहर वाला सरफेस है ये कन्वेक्स है, अंदर वाला मान लो कनकेव होता अगर ये इस टाइप से होता तो, ठीक है। तो कनकेव और कन्वेक्स का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे हमारे पास, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कन्वेक्स है, ठीक है। अगर मैं यहां से ये अपने ये वाला ग्लास निकाल दूं तो अंदर वाला जो हिस्सा बनता वो कनकेव बनता। अब ये एक स्फेयर का हिस्सा है ना, अगर जो मेरे पास एक बड़ा सा स्फेयर है उस स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा ये है, तो रेडियस तो इसका भी होता पूरा। अगर ये कर्वेचर, ये क्या है, कर्वेचर, इस कर्वेचर का जो एक रेडियस होगा उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर मैंने बताया था कि इनके अंदर इमेज कैसे फॉर्म हो रही होती है, वहां से एक बार वापस से बता रहा हूं कि जैसे अगर कनकेव मिरर है, अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, क्योंकि जो कनकेव मिरर है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो जितनी भी लाइट उसके पास आती है उसे क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है, मिला देती है एक ही जगह पे। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये शेडेड पोर्शन है सारा, ये क्या है, शेडेड पोर्शन, मतलब इसके दूसरी साइड पे, मतलब इस तरफ को ये क्या है, शाइनी सरफेस, इस साइड पेंटेड है वो। तो अगर अब जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ रेज आएंगे, जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ रेज आएंगी वो सारी आके एक ही पॉइंट पे टकराएंगी, और इस एक ही पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। इसको हम क्या कहेंगे, फोकस, जहां सारी पैरेलल और बीम ऑफ रे गई और जाके रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करके एक सर्टेन पॉइंट पे मिल जाती है, दैट इज
फोकस। किसी को दिक्कत? क्लियर है ना? बात समझ में आ गई ये वाली फोकस वाली? तो अगर ये पैरेलल बीम ऑफ रेज सारी आकर मीट करेंगी तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, ये हमारे पास होता है रियल फोकस। जब हम लेंसेस वाले टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, मैं कन्वेक्स लेंस के भी बारे में हम बात कर चुके होंगे, उस दिन हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे यहाँ पे, इन सारी रेज को मीट करते हुए देखेंगे या विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल लेजर्स लेके आएंगे, उनके थ्रू हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उस दिन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी ये मान के चलो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर पैरेलल रेज आएंगी तो एक पॉइंट पे मीट करेंगी करेंगी, डन है। अगर कन्वेक्स होता तो ये जो रेज आ रही हैं ये बाउंस करके उल्टा डाइवर्ज हो जाती है, ये उल्टा डाइवर्ज हो रही है, ये मीट नहीं कर रही है एक भी पॉइंट पे, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। सोच के देखो, अगर ये है कोई भी आके बॉल, यहां मान लो तुमने सीधी एक रे भेजी तो वो तो उधर भाग जाएगी, इधर भेजी तो वो उधर भाग जाएगी, क्योंकि टेढ़ा सरफेस है ना, तो वो यहां से आके इस इधर उधर फैल जाएगी लाइट। तो अगर लाइट इधर उधर फैलेगी तो हम क्या कह रहे हैं कि लाइट डाइवर्ज हो रही है। अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है तो ये हमारा कन्वेक्स जो पार्ट है, कन्वेक्स मिरर क्या बना, डाइवर्जिंग मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर है तो इसकी अगर लाइट्स को मुझे मीट कराना है तो मुझे खुद डॉटेड लाइन बना के ऐसे करके पीछे को इन्हें एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ रहा है। और अगर मुझे एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ रहा है, मतलब ये वर्चुअल फोकस है। रियल फोकस क्या होता है, अगर लाइट अपने आप रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे मीट कर जाती है तो हम क्या कहेंगे, वो रियल फोकस है। अगर मुझे खुद एक्सटेंड करके पीछे ले जाके स्ट्रेच करके जबरदस्ती लाइंस को मीट करवाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो वर्चुअल फोकस है। सॉर्टेड है? अब वर्चुअल और रियल के बाद हमने साइन कन्वेंशन की बात करी थी। भाई साइन कन्वेंशन के क्या था कि अगर रे ऑफ लाइट की सेम डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस होगा, जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा था बच्चे, यहां पर लाइट कहां से कहां आ रही है, उस साइड से इस साइड में, है ना। तो हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, इस पी पॉइंट को, जो ये पोल होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो ये इसका वर्टेक्स होगा बेसिकली, ये हमारे पास क्या होगा, एज ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अब इसकी तरफ आने वाली लाइट इधर से आ रही है, उससे इस साइड आ रही है, तो इसके उस साइड के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव, और लाइट की सेम डायरेक्शन वाले डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। तो सिंस ये फोकस इस साइड लाए कर रहा है, तो जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चा, फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये फोकल लेंथ है, और ये डिस्टेंस जो फोकल लेंथ है ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। और अगर मैं कन्वेक्स की बारी में आता हूं तो कन्वेक्स की बारी में यही लाइट के सेम डायरेक्शन में फोकल लेंथ आ रही है, तो इसलिए कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। क्लियर बात है, ये सीधा है। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या रहेगी, एक तो रियल फोकस रहेगा, नेगेटिव फोकल लेंथ रहेगी, फोकस जो फोकल लेंथ की वैल्यू है R/2, यहां पे वर्चुअल फोकस रहेगा और पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, बाकी फोकल लेंथ की वैल्यू R/2 ही रहने वाली है। किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है। यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर हमने बहुत इन डेप्थ जाके समझा था कि क्यों इनके यूसेज किस तरीके से हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आती है बारी रे डायग्राम की, बहुत ज्यादा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। जिसको ये रे डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आगे आने वाले जितने भी केसेस हैं, जो कंडीशंस हैं, उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो किसी को अगर ना पता चले तो बिना हिचक के, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी मर्जी बार रिपीट करना पड़े, बोल देना मुझे, मैं कराता रहूंगा। ठीक है, तो मुझसे साथ साथ में इंटरेक्ट करना, और कोशिश करो कि नोटबुक्स निकालो, साथ में थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलो, एटलीस्ट क्विक नोट्स की तरह या रफ रफ में थोड़ा थोड़ा सा लिखोगे तो याद होता चलेगा साथ में। जो तुम्हें कुछ नया पता चल रहा है, जो लग रहा है कि रेलिवेंट है, वो लिखो एक बार। देखो बच्चा, अब यहां पे मेरे पास क्या है, मैंने रखा है ये कनकेव मिरर, ये हमने कनकेव मिरर रखा है। ठीक है, ये पीछे की साइड मैंने क्या किया, ये शेड करने की कोशिश करी है इसे, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी साइड है और ये हमारे पास कनकेव मिरर है। ठीक बात है बच्चा, ये हमारे पास क्या है, ये कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर का काम क्या है, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, अपने को पता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ टाइप की रेज भेज के दिखा रहा हूं, ये स्टैंडर्ड है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कनकेव में ऐसा है, दूसरे में ऐसा होगा, हर कनकेव मिरर के अंदर ये फिक्स रहने वाली है चीज है, क्योंकि कनकेव का नेचर ही इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं एक रे भेजता हूं, अगर मैं मान लो ये वाली है और मैं एक रे भेज रहा हूं अभी
तो उस रे के साथ साथ में चलेंगे, जैसे ये रेड वाली को ही ट्रेस कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन भेजता हूं, ये स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चा? दिस लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन बनाई है, ये लाइन क्या है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लो ये पैरेलल थी, तो जितनी भी पैरेलल लाइंस जाएंगी वो कहां पे रिफ्लेक्ट करेंगी, बाउंस बैक कहां करेंगी? फोकस। हमने अभी डिस्कस किया था कि कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ही ये है कि जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएंगी उन्हें वो फोकस पे कन्वर्ज कर देगा, यही था ना अभी? तो अगर मैंने कोई पैरेलल बीम ऑफ रे भेजी तो वो बाउंस करके कहां जाएगी? फोकस पे। तो ये लाइट बाउंस करके कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से। ऐसे जाती रहेगी, किसी को इसमें दिक्कत? ये बात ठीक है? तो चाहे मैं कहीं से भी बना देता तो ये हमेशा क्या जाएगी? ये फोकस से ऐसे होके जानी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ये बात समझ में आ गया बच्चे? जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ रेज जाएंगे, समझ नहीं आया? बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, क्या नहीं पार्ट पार्ट समझ में आ रहा वो बताओ। रियल और वर्चुअल के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, और बताओ। कंकेव कन्वेक्स समझ में आ गया तुम्हें, होता क्या है? अब देखो बच्चे, जैसा कंकेव के बारे में हम बात करें, कंकेव मिरर कैसा हुआ? कंकेव मिरर हुआ जो कि अंदर से इस तरीके का था, है ना, स्पून के अंदर वाला हिस्सा। तो अगर मैं क्या समझा रहा था तुम्हें कि अगर हमारे पास एक कंकेव मिरर है, ठीक है, इस कंकेव मिरर में एक रेफरेंस पॉइंट है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, इसको क्या कहते हैं बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पॉइंट आता है हमारा पी, इसको पोल नाम दे लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा गोल घूमता मान लो ऐसा, तो रेडियस यहां कहीं होता? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो क्या होता है? फोकल लेंथ। तो ये हमारी क्या बन गई है? फोकल लेंथ एफ, और इस पॉइंट का नाम हमने फोकस रख दिया, कोई दिक्कत? अब मैं तब से क्या समझा रहा हूं कि अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ रेज भेजूंगा, मतलब यहां से एक लाइन गई जो बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल है। देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सीधे यहां यहां से जाएगी, सिंस इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या करेगी? ये तो यहीं से बाउंस बैक करके आ जाएगी, वापस आ जाएगी। और ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई है यहां से, ये क्या करेगी? ये यहां से रीबाउंस करके फोकस के थ्रू होते हुए वापस आ जाएगी, समझ में आई है? तो मैं अगर बहुत सारी लाइट्स भी भेज देता, अलग अलग जगह से पैरेलल भेज देता, मान लो मैंने यहां से भी एक पैरेलल बीम ऑफ रे भेज दी, तो ये भी टकरा के कहां से जाएगी? फोकस से। ये बात समझ में आई है? तो ये कंकेव मिरर की प्रॉपर्टी है कि ये कन्वर्जिंग है, जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएंगे उन सबको कन्वर्ज करके फोकस पे लेके आएगा ही आएगा, डन है? ये बात समझ में आ रही है सबको? अब मैं क्या बता रहा हूं कि हम ट्रेस कैसे करें, क्या मैं सारी लाइट्स को, मतलब रे डायग्राम्स का कंसेप्ट समझा रहा हूं। देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज बनेगी कहां पे, पहली बात इसको समझते हैं। मैंने अभी तुम्हें ऊपर क्या समझाया था कि अगर लाइट्स मीट कर रही हैं तो क्या बनेगा? रियल फोकस बनेगा। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब वहां पे रियल इमेज या रियल फोकस बनेगा। दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस का इमेज से लेना देना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का फोकस से लेना देना तो था ही, पर इंटरसेक्टिंग, जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर गई वहां पे हमारे पास क्या बनेगा? इमेज बन जाएगी। अब कौन सी लाइंस? हर बार पैरेलल लाइंस तो नहीं जाएंगी ना। अगर मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, तो मैं पैरेलल अगर इस पॉइंट के रेफरेंस में लूं तो सिर्फ पैरेलल लाइंस थोड़ी जाएंगे, सोचने वाली बात है, अनंत तरह की लाइट जाएंगी यहां से। तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, जैसे समझ रहे हो, हर तरफ इतनी 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 लाइंस नहीं भेज रहा हूं क्योंकि वो खिचड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए किसी दो या तीन तरह की रेज भेज के देख लेते हैं, और जहां पे वो दो या तीन रेज आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे अगर मैं एन नंबर ऑफ रेज भी भेजता, मैं 500 रेज भी भेजता, वो भी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी और इमेज बनेगी। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि इस पॉइंट के रेफरेंस में मैं नंबर ऑफ रेज भेजूं, तो मैं उनकी प्रॉपर्टीज अब तुम्हारे आगे जस्टिफाई कर रहा हूं कि अगर मैंने ये रेड वाली रे भेजी तो ये हमेशा फोकस से होते हुए इधर नीचे आएगी, ये पैरेलल रे भेजी तो ये भी फोकस से होते हुए इधर को आएगी, हमेशा फोकस पे तो ये इंटरसेक्ट कर ही रहे। लेकिन अब मैं हर बार अगर पैरेलल रे ही भेज के देखूंगा किसी पॉइंट से, तो फिर तो एक ही पॉइंट से सब कुछ चलता रहेगा। तो मैं इमेज बनाने से पहले, मतलब उस
इमेज की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने से पहले मैं रेज का बिहेवियर समझा रहा हूं कि कहां से रे जाएगी और वो कहां से वापस आएगी। तो पहला ये रेड वाला कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो जैसे ये वाली जो हमारी लाइट थी, ये जो पैरेलली हमारे पास आ रही थी, इसके बाद सॉरी अगर मैं पर्पल वाली भेज रहा हूं, पर्पल वाली कौन सी है बच्चा, ये दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, मैं लाइट को कहां भेज रहा हूं, मैं लाइट भेज रहा हूं सीधा सीधा पोल पे, बिल्कुल सीधा पोल पे, और पोल पर तो वो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह काम करता है यहां पे। तो जितने एंगल पे आके टकराएगा उतने ही एंगल पे बाउंस बैक कर जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है सीधा। तो ये सीधा यहां से एसेटेस करके अपना बाउंस बैक कर गया, बिल्कुल ठीक। अब ये लाइट फोकस से क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि फोकस से सिर्फ वो लाइट बाउंस बैक करके जाती है जो पैरेलल आती है। समझ में आई ये बात, ये लाइट कहां आई है, ये सीधा एक रे यहां आई और ये बाउंस बैक करके इस पॉइंट से गई है। अब एक चीज नोटिस करना, अपनी जो रेड वाली लाइट आ रही थी, जो अपनी रेड वाली लाइट थी वो कहां थी, वो ये गई थी और यहां से बाउंस बैक करके इधर आई थी, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी कि नहीं, वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। बस रख दो वहीं पे, थैंक यू। ठीक है, तो क्या है बच्चा, तो ये एक इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे क्या होना चाहिए, एक इमेज फॉर्मेशन होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, इसको अभी बहुत ज्यादा बर्डन लेके मत समझो, अभी आगे बहुत चलेंगे हम, इसके रे डायग्राम्स बनाएंगे और क्लियर होगा। मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि जहां पर हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती है तो वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम रेज कितने तरह की भेज सकते हैं, एक पैरेलल रे भेज सकते हैं, एक मैं सीधा पोल पे भेज सकता हूं, एक अब मैं भेज के दिखा रहा हूं तुम्हें फोकस पर से। ये मेरे मेरे मतलब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं किस तरह की रे, कौन सी वाली रे भेजना चाहता हूं। तो मैं अब यहां से क्या भेज के देख रहा हूं, फोकस के पास से, ये ग्रीन वाली है, समझ में आया, ये जो रे है मैंने कहां भेजी है बच्चा, फोकस पर से। तो जो रे फोकस पर से आएगी वो क्या होगी, वो पैरेलल होके निकल जाएगी, जो पैरेलल थी वो फोकस पे रिफ्लेक्ट हो रही थी और जो फोकस पे से जाएगी वो पैरेलल होके निकल जाएगी, डन है। और जो पैरेलल होके निकले तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये भी यहीं पे कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो चाहे तुम रेड और पर्पल बना लेते तब भी सेम पॉइंट आ रहा था, पर्पल और ग्रीन बना लेते तो भी सेम पॉइंट था, ग्रीन और रेड बना लेते तो भी सेम ही पॉइंट आना था। और अगर अगर मैं ब्लू भेजता हूं, ब्लू वाली क्या है हमारे पास, जो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहा हूं, तो जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा तो ये बिल्कुल एज इट इज सेम पाथ को ट्रेस करते हुए बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से बिल्कुल डायमीटर बन के आ गई है, तो बिल्कुल यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बनाएगी, तो वो बिल्कुल प्लेन नॉर्मल की तरह एक्ट करके एज इट इज रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। क्लियर है, ये बात समझ में आई है, कौन कौन बच्चा है जो अभी भी अनकंफर्टेबल है इसमें, मैं एक बार और रिपीट करूं, थोड़ा सा और रिपीट करूं एक बारी वापस से, देखो इन्हीं सारों को मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, मल्टीपल कलर्स का ऑप्शन नहीं है, तो एक बारी खुद एक बारी साथ में इन्वॉल्व रहना, मिस मत करना कुछ। देखो हमारे पास बच्चा ये क्या है, फिर से कंकेव मिरर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट की रेफरेंस लेके मैं रेज भेज रहा हूं, यहां से एक लाइट जाएगी इधर, तो ये जो लाइट गई है मान लेते हैं यहां पे फोकस होगा, तो ये कहां से आएगा, फोकस पे से, डन। पहली लाइन इसका नाम रखते चलते हैं, वन रिफ्लेक्टेड रे वन, सॉर्टेड। दूसरा मैं भेज रहा हूं पोल पर, तो अगर पोल पर आएगी तो ये एज इट इज क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, ठीक है, तो ये क्या आई है, सेकेंड रे, यही है सेकेंड, डन है, ठीक बात है। तीसरा मैं अब फोकस पर से ही भेज रहा हूं एक लाइट, अगर मैं फोकस पर से भेजता हूं तो लाइट आएगी ऐसे, ये थर्ड थी तो ये थर्ड इधर आई, समझ में आई है, ये टकरा के। और तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये सारी की सारी का, इन तीनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन है, तो हमें जब रे डायग्राम बनाना होगा हम ये तीन या चार नहीं बनाएंगे, किन्हीं दो रेज को लेके बना देंगे तब भी वो सफिशियंट होंगे अपने आप में। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का मान लो डबल था, यहाँ कहीं ऐसा बन रहा होगा, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा तो वो एज इट इज बाउंस बैक करके आ जाएगी, जो यहीं पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, समझ में आई है।
अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था, यहीं से भेजूंगा तो एज इट इज बाउंस बैक होके यहाँ पे इमेज बन जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये पता चल रहा है क्या हो रहा है? पक्का ये याद रहेंगे कि रेज का बिहेवियर कैसा है? अब हम रे डायग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं। काफी बच्चों को काफी लगता होता है कि नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं फिर बता रहा हूं, अगर तुम थोड़ा सा भी प्रिसाइजली बना लो, प्रिसाइजली का मतलब है कि थोड़ा बहुत आसपास एक्यूरेसी रखना, उसके बहुत रेंडम सा कुछ मत बनाना। जैसे अगर जो तुम रे डायग्राम बनाते हो तो जिसका फोकस यहाँ आना चाहिए उसके आसपास ही फोकस रख लोगे तो थोड़ा ईजी हो जाती हैं चीजें, ठीक है? वरना बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा ये, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बनाई हुई चीजें। समझो अब जरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, पी क्या है पोल, एफ क्या है फोकस, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आएगा, पोल और फोकस के बीच में आएगा, मैं इसका एक काम करता हूं, वो अपना कनकेव जो मेरे रहे मेरे पास उसको निकाल के थोड़ा सा यूज करके देखते हैं। जैसे ये है हमारे पास कनकेव, ठीक है, ये हमारे पास दो कनकेव हैं ऑलरेडी, इनको देख, अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो ले लेना इन्हें। तो क्या है यहाँ पे अपने पास, ये जो कनकेव मिरर है, अब मैं इसका देखो इसका फोकस कहाँ होगा, लेट अस अज्यूम इतने डिस्टेंस पे होगा, अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर इस कर्वेचर के हिसाब से चले तो एक बड़ा सा सर्कल बनना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ फोकस एटलीस्ट इतने डिस्टेंस पे तो होना चाहिए, मे बी अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ, मे बी इतना होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर अगर फोकस से थोड़ा आगे आके देख रहा हूं तो मुझे बहुत बड़ी शक्ल दिख रही है। याद है मैंने कल भी बताया था कि हम शेविंग मिरर्स में या फिर जो तुम्हारे पास ज्वेलरी शॉप्स के अंदर होते हैं जो गोल से शीशे रखे होते हैं जिसके थोड़ा डिस्टेंस से भी देखते हो तो भी क्लियर फेस और जूम्ड दिखता है, तो वो कनकेव मिरर्स लगे हुए हैं। मैं अब इसके पास आके देख रहा हूं तो काफी बड़ी शक्ल दिख रही है मुझे, मतलब अपने आप को ढूंढना मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्किन स्किन दिख रही है। अब हाँ आंख दिख रही है बहुत बड़ी सी इसमें, अगर मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूं, और अगर मैं पीछे जाके देख रहा हूं थोड़ा सा पीछे होते ही मैं इन्वर्टेड हो गया हूं, मैं उल्टा दिख रहा हूं अब इसमें, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको तुम ट्राई करना चाहते हो करके देख लेना अभी, तो हो क्या रहा है ऐसा? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जब मैं इसके बहुत क्लोज आ गया हूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के कहां है, फोकस, फोकस तो पीछे रह गया मेरी, जो ये फेस का सरफेस है फोकस इसके पीछे था, समझ रहे हो ना, जो डिस्टेंस है अगर मैं इस पेन को देखना चाहता हूं यहां पे तो इसका फोकस इस पेन से पीछे रह गया, तो ये ऑब्जेक्ट अब कहां है, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, है ना, ये ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, समझ में आइए। तो इस वक्त कैसी इमेज दिख रही है मुझे, बड़ी मैग्निफाइड और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, लेकिन अगर मैग्निफाइड और इरेक्ट है क्या वो वर्चुअल है या रियल, अभी बना के देखते हैं। देखो इसको समझते हैं, एक काम करता हूं मैं ना पैरेलली एक और बना के दिखाता हूं, इस बार इस पे ट्रेस नहीं करते हैं, एक नई इमेज बना लेते हैं अपनी, देखो बच्चा अब यहां हमारे पास क्या है, मैं पहला क्या बना रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो एक काम करते हैं, पहले हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक मैं कनकेव मिरर बना रहा हूं। देखो कनकेव मिरर में कैसे बनाऊं, ये सेंटर है, अप्रोक्स मैं क्या चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्यूरेट बनाए, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा एक्यूरेट का लॉजिक क्या रहेगा बच्चे यहां पे, कि हम थोड़ा ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे एक्चुअल इमेज बनाने के, ठीक है? तुम ऑब्वियसली बात है एग्जाम में इतना एक्यूरेट नहीं बनाना होता, थोड़ा सा अजम्पशन बेस चलता है, लेकिन जितना एक्यूरेट बनाओगे उतना बेटर रह जाता है। इसका मैंने ये पूरा सर्कल क्यों बनाया, ताकि मेरे को सेंटर मिल सके, एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेंटर मिल गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी को हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया बच्चा, कनकेव मिरर बन गया। अब कनकेव मिरर है, इसको शेड कर देते हैं ऐसे, तो मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की साइड,
और यहाँ एक लाइन बना देते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को? ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं हमने। अब प्रिंसिपल एक्सिस देखो, मेरी बात समझो, यहां पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका हाफ कहीं पे यहां पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कि नहीं, ये पता है सबको, है ना। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखना है, पी और एफ के बीच में। पी क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट, और इसके बीच में, है ना। तो जब मैं इनके बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट आया यहां कहीं, मान लो ऐसे रख दिया, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पे। अब लाइन कौन सी भेजनी है, कोई दो लाइन सेलेक्ट करनी है मुझे, चार लाइंस का ऑप्शन था, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो, दूसरी पैरल भेज दो, तीसरा फोकस से भेज दो, और चौथा कौन सा था, पोल पे भेज दो। देखो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बहुत पीछे रह गया, अगर मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि वो वाला भी ऑप्शन करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम बैकवर्ड साइड में भेज सकते हैं उसको इमेजिन करने के लिए, लेकिन पहला सिंपल वाले ऑप्शन रखते हैं जो हमारे लिए सबसे ईजी है, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रह गए हैं, तो हम एक पैरल भेज लेते हैं, एक पोल पे से भेज लेते हैं। बाकी के दो वालों को भी मैं ट्रेस करके दिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते थे। अब जो एक लाइन गई है वो कहां गई बच्चा, पैरल, पहली लाइट कहां गई है रे, पैरल। अब हमें रूल क्या पता है, अगर एक लाइन पैरल जाएगी तो क्या करेगी, बाउंस बैक करके फोकस से आएगी, तो ये यहां से बाउंस बैक करके फोकस के पास से चली जाएगी, किसी को दिक्कत, ठीक है ना, ये रे ऐसे चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम, है ना, डन है। अब अगर मैं एक दूसरी रे पकड़ता हूं, मान लो ग्रीन वाले से हम बना लेते हैं, कहां भेजू, पोल के अलोंग, तो अगर मैं पोल के अलोंग भेज रहा हूं ऐसे, तो किसी एंगल पे, जितने एंगल पे ये होगी सेम उतनी एंगल पे ये एज इट इज बाउंस बैक कर गई है। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये रे कभी मीट कर पाएंगे कहीं पे, डाइवर्जिंग है, ये तो दूर दूर होती जा रही है ना, ये तो दूर दूर होती जा रही है, तो मैं जितना मर्जी पीछे लेके जाऊं ये तो और दूर हो जाएंगी, तो कभी भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ऐसा हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो मुझे मैं दिख क्यों रहा था फिर, ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब इमेज नहीं बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये चीज क्लियर रखना, क्योंकि अगर एक प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के अंदर भी फोकस होता नहीं है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ होती है, मतलब लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है वहां, तो हमें दिखता क्यों है, हमें इसलिए दिखता है क्योंकि एक इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। तो अगर हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट्स मीट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब यहां इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं लाइंस को डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड कर दो, इन्हीं लाइंस को डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, और एक किसी पॉइंट पे आके ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी यहां मेरे पास क्या बन गया बच्चा, इमेज। कोई दिक्कत, समझ में आया रीजन कि वो मैग्निफाइड क्यों बन रही थी, ये कैसी इमेज बनी, जब मैं फोकल लेंथ के भी ज्यादा आगे आके देख रहा हूं तो मेरी इमेज कैसी बन रही है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। समझ में आया, मैंने क्या क्या बताया, उसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर, नेचर बताया कैसा, वर्चुअल, साइज बताया मैग्निफाइड, तरीका बताया मतलब तरीका इन द सेंस कैसा, कि वो उल्टी बन रही है कि सीधी, इरेक्ट। तो मैंने उसके हर प्रोस्पेक्टिव को तुम्हारे आगे एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर तुमसे कोई पूछा जाता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, मैग्निफाइड, इनलार्ज्ड, मतलब मैग्निफाइड का मतलब इनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी थोड़ी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल रहेगी वो। बात समझ में आई, बनी कहां है, बिहाइंड द मिरर, तो पोजीशन का है बिहाइंड द मिरर। तो एक और चीज अब समझते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को यहां से, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पोल से, इसको यू से डिनोट करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है, यू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ
इमेज, और एफ क्या होता है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, अब वी कहां बना है, यहां पे। ये इमेज कहां बनी है हमारी, वहां पे। तो इस डिस्टेंस से ये जो बन गया, ये क्या बना है बच्चा, वी, और जो फोकल लेंथ थी वो था ये। किसी को दिक्कत, बात समझ में आई है? हाँ जी, हाँ जी, किसी को दिक्कत है बच्चा इसमें? ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि इमेज बनी कैसे और इमेज का नेचर कैसा कैसा बनाया हमारे पास बच्चा? क्या बनाया हमारे पास बताओ, पहली बात तो पोजीशन बताते हैं। पोजीशन कहाँ है? पोजीशन है राइट साइड पे बिहाइंड द मिरर, जिस साइड से रे ऑफ लाइट जा रही थी उसी डायरेक्शन में। तो पहली बात तो ये है, देखो इसको लिख लेते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज की पोजीशन। तो हमारे पास जो V बनेगा वो क्या आएगा बच्चा, पॉजिटिव। जितने भी बिहाइंड द मिरर, मतलब जिस साइड में रे ऑफ लाइट जा रही थी उसी साइड के जो डिस्टेंस होंगे वो क्या बनेंगे, पॉजिटिव। और क्या है, और कैसा है नेचर, वर्चुअल नेचर। ये क्या है नेचर, क्या है वर्चुअल और इरेक्ट है ना, इरेक्ट है, अपराइट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है। और क्या है, साइज कैसा है बच्चा, एनलार्ज्ड और मैग्निफाइड। समझ में आया किसी बच्चे को इसमें परेशानी थोड़ी सी भी? हाँ जी, तरीका समझ में आया। कल के लेक्चर में हम सिर्फ रे डायग्राम्स की ही प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे जितने भी केसेस हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल होंगे, 6, 7, 5, 6 जितने भी बन पाएंगे, हर जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रख के, जैसे आज हमने एक बना के देखा है, तुम्हारा घर पे एक छोटा सा काम रहेगा कि एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस करके रखना, जो रे डायग्राम्स का मैंने तरीका बताया था तुम्हें। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सबको कि अगर हम इस तरीके से जो रेज भेजेंगे तो कौन सी कहां से जाएगी, और अगर हमारी लाइंस मीट नहीं कर रही होंगी तो हम डॉटेड लाइन ले जाके मीट करा देंगे, ठीक है, और जहां मीट करेंगे इंटरसेक्ट कर जाएंगे वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है बच्चा, इमेज फॉर्मेशन का तरीका समझ में आया? डन आज के लिए।